أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم pre 9th class how are you I hope you are fine today we are going to start first lecture of chemistry before this we discuss the final term syllabus please open the book and open the title page and start we study chapter 1 Fundamental of Chemistry, Chapter Number 2, Structure of Atom, and Chapter Number 3, Periodic Table and its Properties. ये तमाम चैप्टर हम इस टर्म में स्टडी करेंगे. We start the first chapter in class Fundamental of Chemistry. You can see the book. The highlighted points I have already discussed in the class. We start branches of chemistry. First of all, chemistry. What is chemistry? Chemistry is defined as the science that observes the materials of the universe and changes that these materials undergo. Then we study the branches of the chemistry. Branches of chemistry में हमने study किया है बेटा physical chemistry को. Physical chemistry में हमने क्या study किया है? The physical chemistry that deals with the laws and the theories to understand the structure and the changes of matter is called physical chemistry. Then हमने study किया था organic chemistry. Organic chemistry में हमारे पास क्या है? Organic chemistry में बेटा हम carbon के compounds को study करते हैं. In organic chemistry में हमने क्या देखा था? हमने देखा था the branch of the chemistry that deals with the elements and their compounds except organic compound is called inorganic chemistry. It means के हमारे पास जो organic compounds थे उनके अलावा जितने भी हमारे पास compounds हैं उन तमाम को हम किस में study करते हैं? Inorganic chemistry में study करते हैं. उसके बाद हमने देखा था biochemistry, the branch of the chemistry that deals with the physical and chemical changes that occur in living organism. It's called biochemistry. Living organism में जो changes हो रही हैं वो हम किस में study करते हैं? Biochemistry में. Then industrial chemistry था. Industrial chemistry में भी हमने देखा है the branch of the chemistry that deals with the methods and the use of the technology in large scale production of useful substances is called biochemistry. It means industries में हम किसी भी chemicals को या compounds को prepare कर रहे हैं तो वो हम किस में study करेंगे? Biochemistry में study करेंगे. Then हमारे पास nuclear chemistry है तो nuclear chemistry में बेटा हम atoms को स्टडी करते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं. देन उसके बाद हमारे पास था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट में हमारे पास कंपाउंड्स क्या कर उनका क्या इफेक्ट हो रहा है. लास्ट हमारे पास था एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या? द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री डैट डील्स विद द मैथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स डैट फॉर डिटरमाइनिंग कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि हमारे पास कितने परसेंट कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं और उसकी परसेंट प्योरिटी कितने परसेंट वो प्योर है और कितने परसेंट इम्प्योर है, तमाम हम किस में स्टडी करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट हमने देखा था कि डिफरेंट ब्रांचेस को हमने अप्लाई किया था. हमने लिया था विनेगर लिया था. विनेगर में हमारे पास क्या था? एसिडिक एसिड था. 5% एसिडिक एसिड था. उसमें हमने देखा है कि हमारे पास एसिडिक एसिड का फार्मूला क्या है? C3COOH. हमारे पास एसिडिक एसिड का फार्मूला था. उसे हमने देखा था कि हम फर्दर ब्रांचेस में कैसे अप्लाई करें. फिजिकल केमिस्ट्रीज पर कैसे अप्लाई हो रही है, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्रीज पर कैसे अप्लाई हो रही है, तमाम हमने देखा था. उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन था आइडेंटिफाई एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. बेटा ये आपको एग्जांपल्स दे दी गई थी और आपको कहा गया था कि आपने आइडेंटिफाई करना कि इस पर हमारे पास कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच अप्लाई हो रही है. तो वो हमने देखा था. इसका सोल्यूशन आपको बुक पर गिवन है. पेज नंबर 9 अगर आप ओपन करें तो पेज नंबर 9 पर नीचे आपको इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन गिवन है. उसमें आपने देखा था कि जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. बेटा आप लोग को पता है कि फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना हमारे पास किस में हो रहा है? प्लांट्स में हो रहा है. तो इट मीन्स प्लांट्स हमारे पास लिविंग थिंग्स में आ रहे हैं. लिविंग थिंग्स
की जब बात हो रही है तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास कौन सी ब्रांच आएगी, बायोकेमिस्ट्री आएगी हमारे पास, सही है। इसी तरह फर्दर आप लोगों ने देखना था लास्ट वाला, अगर आप देखें तो इसमें अल्फा पार्टिकल्स व्हेन बॉम्बार्डेड ऑन नाइट्रोजन एटम अ प्रोटॉन इज इमिटेड, इट मीन्स हमारे पास एटम्स की बात हो रही है। तो एटम्स में हमने क्या कहा है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एटॉमिक न्यूक्लियस को स्टडी करते हो, तो इट मीन्स इधर हमारे पास कौन सा आ रही है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे पास ब्रांच अप्लाई हो रही है। ये हमने सारी ब्रांचेस देखी थी। नेक्स्ट हमारे पास था सेल्फ असेसमेंट थी 1.1 थी। इसमें बेटा आप लोगों ने देखा था कि फर्स्ट में हमारे पास वो कहता है कि हेयर कंटेन्स अ स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड केराटिन्स विच आर प्रेजेंट इन द नेल्स एंड नूज। ये हमारे पास इसमें बेटा हेयर्स की बात हो रही है, तो हेयर्स हमारे पास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ रहे हैं, तो ये हमारे पास इसमें स्टडी हो रहा है, बायोकेमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। ये आपको सारी हाईलाइटेड हुई ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, ये आपको ऑलरेडी क्लास में काम करवाया जा चुका है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको देख सकते हैं। ये जितने भी हाईलाइटेड हुए हैं लिखी हुई हैं ब्रांचेज, ये तमाम इनके आंसर हैं, आप लोग एक दफ़ा टैली कर सकते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। देन हमारे पास ये बॉक्स था, बॉक्स में हमने क्या स्टडी किया था, फर्स्ट हमने क्वेश्चन इसका बनाया था एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, हमने मॉलिक्यूलरिटी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया था। देन उसमें हमने हेडिंग किसकी दी थी, नोबल गैसेस को हेडिंग हाईलाइट किया था। उसके बाद हमने वाटर एज अ मॉलिक्यूल है इसे हमने हाईलाइट किया था और इसके बारे में हमने बताया था। उसके बाद हमने क्या बताया था, लिविंग थिंग्स में हमारे पास कैसे अप्लाई हो रहा है, ये हमने तमाम हाईलाइट कर पढ़ा था तब। फिर हमारे पास बेसिक डेफिनेशन आते हैं, तो बेटा डेफिनेशन में हमने सबसे पहले मैटर की स्टडी किया। मैटर की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग डैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर है हमारे पास। देन हमने एलिमेंट की डेफिनेशन को स्टडी किया था, कंपाउंड की डेफिनेशन को देखा था और मिक्सचर को देखा था। उसके बाद हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि मिक्सचर के हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर है हमारे पास और हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है और दूसरा हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस। यहाँ पर देखें आप तो यहाँ पर हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हमने डिफाइन किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट इसकी एग्जांपल थी, ये हमने तमाम स्टडी किया था। उसके बाद हमने स्टडी किया था एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है, द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस में हमारे पास जितने नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स होंगे हम उन्हें क्या कहेंगे कि इट मीन इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास। और मास नंबर हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स इन द एटम, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फार्मूला था, फार्मूला क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर आपने न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हो तो आपके पास फार्मूला है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको गिवन होगा और मास नंबर भी अगर आपको गिवन है तो बेटा इससे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक एग्जांपल थी, एग्जांपल में हमने क्या कहा था, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, एटम में हमने बताना था कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं। तो बेटा ये जो ऊपर वाला फार्मूला है इससे हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, एटॉमिक नंबर उन्होंने आपको दिया एलिमेंट का 17 है एंड मास नंबर है 35 है। वो कहते हैं हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आप देखें, अगर फार्मूला हमारे पास गिवन क्या है, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स है, मास नंबर भी दिया गया है और हमें ऊपर आप देखें तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ और मास नंबर भी दिया हुआ। सिंपली आप पुट करें और माइनस करें, आपके पास नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने इस क्लास में स्टडी किया था, आप लोगों को एक दफ़ा बता दिया कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको आगे पढ़ाया जाएगा और बेटा आपको जो काम दिया जाएगा आपने डेली वो करना है। किसी भी वक्त आपकी नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक आपकी कॉपीज़ मंगवा कर चेक की जा सकती हैं और आपको पता है कि 50% मार्क्स आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड होंगे, इसलिए आपने काम नीट एंड क्लीन करना है और प्रॉपर तरीके से आपने स्टडी करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।